अपनी मनपसंद मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा फिल्मी को और बेल आइकन को दबाएं। फिल्म शुरू हुई है, कुर्सी पे सेट हो जाओ। हमने जो है बनाया, उसका मजा उठाओ। गाने भी डाले हैं, ग्लैमर का तड़का, एक्शन में हीरो है। फिल्म शुरू हुई है, कुर्सी पे सेट हो जाओ। हमने जो है बनाया, अरे राम, बसवा को यही पंचर होना था। आजा भाई, नीचे आजा, बच्चे संभाले, पिक्चर देखे। उठ के न जाना, कुछ मिस होना चाहिए रे। मैं हूं एफपी माइकल मिश्रा के ढाबे पे आप सबका स्वागत है। प्रोड्यूसर ने ऐलान किया है पिक्चर हिट होने पे डायरेक्टर को मोटरसाइकिल गिफ्ट। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर त्रिपाठी। यस। ये माइकल मिश्रा कौन है? एक नंबर के चोर उचक्के और किडनैपर थे। माफ कीजिएगा प्रोफेसर साहब, वो आपके लिए चोर उचक्के होंगे लेकिन हमारे लिए लेजेंड है। लेजेंड? अ लेजेंड? यस, लेजेंड। माइकल मिश्रा वो नाम है जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हर पन्ने पे दर्ज किया जा सकता है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स? नाउ आई एम क्यूरियस। एमिली, यही तो इस देश की विडंबना है। माइकल जैसे अपराधी का नाम अंकित करने की बात करते हैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, और यहाँ हम 25 साल से इतिहास पढ़ा रहे हैं लेकिन आज तक लोकल न्यूज़पेपर में भी अपना नाम नहीं छपा। बिहार के कोयले और टैलेंट की कदर कभी इस देश में हुई है जो आज होगी? FPG, I really want to know more about Michael Mishra. Tell me. बताइए ना प्लीज। ठीक है, लेकिन एमिली जी,
दो बातें, पहले तो इट्स नॉट मिश्रा, इट्स मिश्रा, मिश्रा कैरेक्टर, और दूसरी बात आपको अपना मोबाइल फोन बंद करना पड़ेगा. क्यों? Because the mobile phone has killed the romance. That's why I don't keep one. काट के फेंक देना काम था उसका. और वो इस काम में इतना माहिर था कि वो बिना देखे भी कर सकता था. लेकिन किसको पता था उस दिन माइकल की जिंदगी में शनिचर आ जाएगा. तबीयत से पहलवान और पेशे से लोकल गुंडा. जांगा 20, कमर 36, सीना 42. गला थोड़ा टाइट रखना. इतना थोड़ा और. 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 थोड़ा और. थोड़ा और. थोड़ा और. थोड़ा और. कहते सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन माइकल मिश्रा की सफलता के पीछे पूरा नारी शरीर था. उसके धोबी पछाड़ ने वो करामत दिखाई कि लोगों ने उसे मसीहा समझ सलाम ठोकना शुरू कर दिया. प्रणाम भैया जी. प्रणाम. नमस्ते भैया. वाकई लेजेंड थे. माइकल के बारे में राय ना बनाना दोस्तों, क्योंकि वक्त बदलेगा और आपकी राय भी बदल जाएगी.
कहने को पांच अक्षरों का एक मामूली सा शब्द, पर जब ये हेलो पहली बार माइकल मिश्रा के कानों में गूंजा तो बस गूंजता गया। मासूम माइकल ये नहीं जानता था कि इसी लड़की के प्यार में वो एक दिन लेजेंड बन जाएगा। इस पंछी को पुलिस का कोई पिंजरा तड़ी पार नहीं करा पाया, ये वापस उड़ा और कई दिनों और मीलों का फासला तय करके उसी बसेरे पे आ पहुंचा जिससे ये अपना दिल लगा बैठा था। पर अफसोस, वो लड़की और उसका परिवार हमेशा के लिए कहीं दूर जा चुके थे। देखते माइकल मिश्रा किडनैपिंग की दुनिया का लल्लन टॉप स्टार बन गया। सेक्युलर माइकल मिश्रा से कोई नहीं बच सकता। बिहार में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस मुन्नी भी नहीं। बचपन में सुने हेलो और इस लड़की की तलाश आज भी जारी थी। एक मिनट, सीता मैया जरा हेलो बोल के दिखाइए ना। बोलो 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 बंद कर दे। हेलो 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 जी हेलो मम्मी। अरे आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चला। चलिए और ये है माइकल भैया का अड्डा जहां किडनैप किए भाई और बहनों को रखा जाता है। टाइम पे पैसा मिले तो रिहाई, वरना माइकल भैया के अनोखे अंदाज में कुटाई। भैया जी के खेत का है, खा ले। बुझ जाती है ये, टॉर्च लाके दीजिए ना आप। हमने तुमको पुलिस को डराने के लिए रखा है, रास्ता दिखाने के लिए नहीं रखा है। और माचिस क्यों नहीं रख लेती साथ में, बार बार बुझ जाती है, वॉक लगाइए आप। और थोड़ा स्लो वॉक कीजिए, क्या कर रही हैं आप जी? ठीक है, भूतिया स्लो वॉक करती हैं। स्लो जाइए, तेज जाएंगे तो पुलिस लग जाएगी पीछे। स्लो स्लो हैवान। नहीं, दयावान। क्या हो गया भाई? भैया जी कौनो गिर गया है गटर के अंदर, अब बाड़ी तो गंगा जी में ही निकलेगी। साला बिहार का यही प्रॉब्लम है, दारू हाँ। पीते हैं खड्डा ढूंढने निकल जाते हैं। हाँ भैया जी। नहीं अंकल, हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। क्या करूं, बच्चा है, गिर गया। अरे निकालो भाई, अरे सोच है कि नहीं, धोती से काम चला लेंगे। Hey!
बता क्या तेरे माँ बाप ने? इंसान के बच्चा हाथी का बच्चा को बताएगा? इतना बड़ा बच्चा हम पहली बार देख रहे हैं। आपने आपने हमारी जान बचाई, आज से हमारी जिंदगी आपकी गुलाम। देखिए इतने हैवी वर्ड्स मत बोलिएगा, समझे? वरना बेटा गड्ढे में डाल देंगे आपको। पतली पतली गाड़ी पकड़िए और निकल लीजिए, थका दिया आपने हमको। लेकिन भैया जी, हम पतली गली में घुसेंगे कैसे? वैसे ही जैसे आप इस गड्ढे में घुसे थे। गेट आउट। भैया जी पिछले चक्कर में हवा बहुत कम है। भैया जी हमें छोड़, अरे हमें छोड़िए, हमें भी ले चलो रिक्शा। रिक्शा बच्चे से बेताल होते जा रहे हैं। इस भरी दुनिया में कोई नहीं है, मोटरसाइकिल वाले से कर पा रहे हैं। भैया जी मूली खाने से पेट साफ होता है, ट्राई करो भैया जी। सच्ची में भैया जी, भैया जी हम आपके लिए क्या सरप्राइज लाए हैं? फ्रूट्स। ये नन्ना सिपाही माइकल की आंखों का लालटेन बन गया और माइकल ने उसे अपने ही जैसा अंग्रेजी नाम दिया, हाफ पैंट।
देहात है तो कुछ भी हो सकता है, रॉक बैंड की क्या बात है। झुरझुरा दे लो हो, एकदम करंट लगा दिए हैं अपने परफॉर्मेंस से। देखिए तो ये है मिथिलेश माथुर, पट्ठा जन्म से है बिहारी लेकिन कर्म से है रॉक स्टार। अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं अपनी अंतिम प्रतियोगी, तो इंतजार कीजिए बिहार गॉट टैलेंट में एकदम बिहार इज फुल ऑफ टैलेंट। वन टू थ्री माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो। ये वही हेलो था जो माइकल मिश्रा के कानों में बचपन से गूंज रहा था। गुड मॉर्निंग पटनाइट्स, मी माइसेल्फ परसा शुक्ला फ्रॉम पटना। ये हमारे सामने नाचेंगी गाएंगी और बिना नरभसाए बिना लटपटाए फर 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 राटेदार अंग्रेजी भी बोलेंगी, तो देखते हैं ये इस मंच पर क्या कमाल दिखाती हैं। उससे पहले हमारे आदरणीय जज महोदय इनको टॉपिक देंगे। श्री पुरुषोत्तम जी, टॉपिक इंग्लिश में काओ। काओ, 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 माने गाय। काओ।
शुक्ला का पता बताओ मुंह मांगा इनाम पाओ। माइकल मिश्रा किडनैपिंग स्पेशलिस्ट बोरिंग रोड जिला पटना बिहार 800-09 फोन नंबर 0612266475। आप तो मिल ही जाएंगी। वंडरफुल भैया जी आपने बनाया है। यू आर ग्रेट पेंटर भैया जी, ग्रेट पेंटर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा काम कीजिए जी भैया जी, बिहार की जो जनसंख्या है ना उसके पीठ पे ये फोटो लगा दीजिए। भैया जी पेट तक क्या, किसी का पेट तक भी नहीं छोड़ेंगे। चलो भाई लोग बंदा शुक्ला का पता बताओ, मुंह मांगा इनाम पाओ। तारे ना तो सीधे सिमरिया घाट। वर्षा जी तो मिली नहीं और माइकल चले गए कोप भवन। चलो बिहार की जनता ने चैन की सांस ली होगी। हाफ पैंट ने पूरा किडनैपिंग का काम संभाल लिया। कुत्ते का पता लिख दीजिए, काम हो जाएगा। यहाँ क्या कर रही हो, जाइए उधर। चुप चुप चुप। चॉकलेट। अरे क्या बात है मैडम जी, समय की बड़ी पाबंद हो आप, पैसे लाए हैं का? हमारे पास पैसे नहीं है। ये मंदिर नहीं है, यहाँ मुफ्त का प्रसाद नहीं मिलता। हमारी स्कूटी रख लीजिए। ठीक है, इनकी स्कूटी रख लो। और सुनो, अगली बार ये चॉकलेट गाड़ी पे मुता ना तो हम इसको उठाएंगे नहीं, खा जाएंगे, खा जाएंगे। क्या बात है, हाफ पैंट क्या ही क्या तूने, माइकल भैया बहुत ही खुश होंगे। भैया जी प्रणाम, हमने काम संभाल लिया है। बस अब घर आए लक्ष्मी के दर्शन कर लीजिए। हमने आज तक ये बात किसी जैन से नहीं कही, लेकिन एचपी आई लव यू भैया जी, आई लव यू भैया जी। मैं हनुमान है, देखो मैं प्रमोशन भैया जी। कबूतर दिल के अंदर टकटकी अखियां लड़ी, चियरा में ऐसे लड़के बच्चे पतंगी किसकी कटी। ओ उड़े कबूतर दिल के अंदर टकटकी अखियां लड़ी, चियरा में ऐसे लड़के बच्चे पतंगी किसकी कटी। ओ oh,
गल कड़ी हो शिके दी गाड़ी चमके जब धूप में कर देती है रे बावरा पल में दिल का इंजन छुक छुक करता सीटियां देख बजाए आजर बल मा देखिए सिग्नल झंडी दी घरी दिखाए होश की दी गाड़ी चल पड़ी होश की दी गाड़ी होश की दी गाड़ी चल पड़ी होश की दी गाड़ी होश की दी गाड़ी चल पड़ी होश की दी गाड़ी होश की दी गाड़ी चल पड़ी होश की दी गाड़ी पहुंच गए इधर। बस भैया जी बस बस। अरे हम प्रेजेंटेबल तो लग रहे हैं ना भैया जी। गद्दा झाड़ दिए। रुक चेला पंगे डाकू तुम्हारी क्या बजाल तुम डाकू ना खाली कुत्ता चोर चक तेरे से क्या गेंद गद्दा पहुंच गए तुम हमारे सड़क चौक कटना पर कभी सामने मत आना हमारे मार दूंगी। लगता है भाभी बड़े गुस्से में। अरे गुस्से में नहीं है ये तो उनका प्यार है। ये खाली घर को लोग टॉयलेट क्यों बोलते हैं? तेरे साथ साथ मैं हर घड़ी बिताऊंगा तेरे साथ साथ मैं खुशियां लुटाऊंगा तेरे साथ साथ में दुनिया बसाऊंगा तेरे साथ साथ में पल पल बिताऊंगा बस तेरे ही सामने तेरे साथ साथ में बस तेरे ही सामने। तू या तो मार पड़ेगी पता है ना भैया जी। क्या करो भाई तोड़ भाई तोड़ोगे? आइए भैया जी। भैया जी गायब है। भैया जी युवा तो ग्रेट पर्सन। भैया जी हाँ ये मकान इतने सस्ते में कैसे मिला? ताजुब हो रहा है। अरे फांसी लेके मर गया होगा। हाँ गॉट इट भैया जी गॉट इट। कौन मातम कर रहा है? रे प्रवेश के दिन इट इज लाइक हवन में हड्डी जरा देखिएगा। अबे आते भैया चल 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 हो जाएगा
अच्छा लग रहा है ना? अच्छा हमारी बात अभी ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम अभी हमारी पैरेलल लाइफ शुरू करने जा रहे हैं, समझे? और ये मोहल्ला जो है शरीफों का है। सही है। और आप लोग ठहरे लुच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ भाई, तो देखिए अपनी मनुष्य शक्ल और ये मोहल्ले के बीच में ना थोड़ा सा वो डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। हाँ। समझ आ रहा है? हाँ। समझ आ रहा है? बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल। आपका चाय पी के जाइएगा। गेट आउट। प्रणाम भैया जी। प्रणाम भैया जी। प्रणाम। और वो मुखौटे घर जाके निकालिएगा। ठीक है भैया जी। इंग्लिश चाकू है, पूरे बिहार में खाली हम ही कर सकते हैं। बहुत टैलेंट लगता है इसको करने के लिए, आप हमसे शादी कर लीजिए। भैया जी ऐसे तो भाभी डर जाएगी। आप शादी करने चाह रहे हैं? किडनैपिंग ठीक नहीं था, हम तुझे इंप्रेस हो जाएगी। हम कुछ और ट्राई करते हैं। इसे गुलाब कहते हैं, ये ज्यादातर कश्मीर में मिलते हैं। इसका गुलकंद भी बनता है जिसके खाने से पेट ठंडा रहता है। इसे अगर बालों में लगाओ तो खूबसूरती बढ़ जाती है और मच्छर मक्खी भी दूर रहते हैं। हमारा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, आप हमसे शादी कर लीजिए। भैया जी फैंटास्टिक, बस आप फूल थोड़ा कम कर दीजिए। फिर बच्चा पैदा कर दिया क्या? हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ भैया जी, हमारे से अपना छोटा बड़ा बिजनेस शुरू कर रहे हैं। ना डी डी किंडा भी का भाग यहाँ से भाग। बस पीना देखिए इसे बात देखिए भैया जी, मत लो भैया जी, फिर तब बात कर दीजिए। बस बेटा हट, अभी नहीं मानेंगे डैडी तुम्हारे। इसे गुलाब कहते हैं, इसे बालों में लगाने से खूबसूरती बढ़ती है और मच्छर मक्खी भी दूर रहती है। और हाँ इसका गुलकंद भी बनता है, इसके खाने से पेट ठंडा रहता है। और हमारा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, आप हमसे शादी कर लीजिए। ओ भाई साहब, मैंने तो नोटों की पटना भी ना कभी नहीं सुनेगा। देखिए तो कितने बेशरम जेब कतरे हैं यहाँ के। डे हमारी बहन है इसके साथ, तुम तो झांसी की रानी बन रही हो। दादी प्रणाम, भैया जी छुड़ाइए ना मुझे इनसे। तुमको शर्म नहीं आती? हाँ शरीफ लोगों की जेब काटते हो बस के अंदर। मेहनत तो पैसे नहीं कमा सकते, नॉन सेंस पर्सन। भैया जी आप ही ने तो कहा था कि मेहनत गधे करते हैं। बस रोको, कैसे खराब कर रही हूँ, चल यहाँ से। मास नहीं का, हाँ सही किया, दो लगाने चाहिए। एक उस साली यही बस मिली थी कांड करने के लिए, हाँ निकल यहाँ से। अश्विनी मिस करी भैया जी, पूरा का पूरा इंप्रेशन खराब कर दिया। घर में चलो भैया, क्या हुआ? अरे मैडम जी का कुत्ता जो है ना पाइपों में फंस गया है। जी की आंखों में आंसू। Myself Michael Misra.
कहानी खत्म हो गई, अब इस कहानी में बचा ही क्या है, बैक टू बस। प्रोफेसर साहब आप बैठ जाइए, अभी तो माइकल मिश्रा की कहानी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। प्रोफेसर प्लीज। यू आर सो स्वीट एमिली। हाँ तो अब क्या हुआ, कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। वर्षा शुक्ला जी के केस में इसका उल्टा हुआ, माँ बाप और खुदा की जगह पे काइंड हार्टेड चाचा और जालिम चाची जो कि रहते भी उसी के घर पे थे। दिन भर शहर में मंडराती रहती हो, खुद को झांसी का रानी समझती हो, और कुछ हो गया तो आप मिठाई को हाथ मत लगाइएगा। हम ऊपर जाके बड़की जीजी और भैसुर जी को काम दिखाएंगे जी। तुम मुँह मत दिखाना, घूंघट डाल लेना ना चाची। लड़का देख लिए हैं हम, मुकुंद कुमार नाम है। हो देखे चाचा, आपके जीते जी चाची ने अपने लिए लड़का भी ढूंढ लिया। छेका के लिए बुला लिए हैं इस महीने की 29 तारीख को। तारीख कचेरी में ना होती है चाची। बलकनिया में खड़े रह के नैन मटका करो तुम, और मोहल्ले में ना कटे हमरी। हम हंसे तो आपको दिक्कत, रोए तो दिक्कत, घर रहे तो दिक्कत, बाहर जाए तो दिक्कत, आपके काम में हाथ बटाए तो दिक्कत, ना बटाए तो दिक्कत। आपके दिक्कत का ना एक ही सलूशन है हमारे पास, हम किसी लड़का के साथ ना यहाँ से फुर्र हो जाते हैं। जो मन रहे करो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, उस लुच्चे लफंगे बदमाश के साथ नैन मटका नहीं करने देंगे तुमको। अरे दो दिन में पेट से करके छोड़ देगा तब समझ में आएगा इनको। अरे शांत हो जाइए ना, ये कौन तरीका है जवान बच्ची से बात करने का? हा? बच्ची है, जलवा देख रहे हैं इनका। चाची जलवा अभी नहीं, वो तो आप तब देखेगा जब पटना में लोग हमारे ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगा के आएंगे। ऑटोग्राफ मन तो करता है बल्कि यही तुड़वा दे, न नौमन तेल होगा न मिस वर्षा शुक्ला नाचेंगी। थोड़ा बैड है आजकल के बॉयज के हिसाब से तो आप कूल हैं, पर घर के एक दामाद के हिसाब से थोड़ा अनकूल। हरकतों पे थोड़ा थिंक करें और आदतों पे रीथिंक। हम चाहते हैं आप हमारे घर आए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सुधर जाएं। वर्षा जी हम सुधरेंगे और फुल फ्लेज्ड सुधरेंगे, आप देख लेना। कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है लेकिन माइकल जैसा आदमी नहीं सुधर सकता। माइकल ने जो किया न कभी किसी ने किया होगा न करेगा।
सुधरने की राह में माइकल मिश्रा ने एक बार फिर से कैंची उठाई। अपने घने मुलायम लंबे बालों का त्याग किया। सफेद कुर्ता पैजामा पहना, अनुलोम विलोम किया, भ्रमरी किया, सूर्य नमस्कार किया, दिल फिर भी नहीं माना तो गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराया, काले कुत्ते को खिचड़ी खिलाया था, खिलाया था। चुप रहो सब लोग, चुप रहो, बात क्यों कर रहे हो उधर? सब लोग चुप रहो। हाँ, चले जा रहे हैं भाई। कौन हो? अरे कौन है यार? अरे माइकल भैया, भैया पहचान ही नहीं पाया हम आपको। कोई बात नहीं, ठीक है भैया जी, बाल कटा लिए थे इसीलिए भैया जी पहचान ही पाया, हमारा आग उठ जाए भैया जी। भैया जी आप एकदम स्मार्ट लग रहे हैं, है ना? थैंक यू। हम क्या है ना, हम सुधरने के रास्ते में निकल पड़े। लेकिन भैया जी आप सुधरना क्यों चाहते हैं? आप तो अभी सुधरे हुए हो। देखिए, आपने कभी ये सुना है कि बुराई की हमेशा जीत होती है? ऐसा नहीं होता, जीत हमेशा सच्चाई की होती है और अच्छाई की होती है। भैया जी बात तो एकदम करेक्ट है, पर आप इन लोगों को छोड़ दीजिए। भैया जी एक बार आप सोच लीजिए ना। सोच लिए, छोड़ दिए। चलो चलो सबको निकालो, यहाँ से सबको निकालो, चलो जल्दी जल्दी, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, चलो। हमने सबको छोड़ दिया है, बस वो एक अंधा फकीर बचा है, जा ही नहीं रहा है। अंधा फकीर? अरे पगलेट, अगर वो अंधा है तो तुझे कैसे पता चलेगा बाहर जाने का रास्ता किधर है? ये तो हमने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, हम उसे पर्सनली बाहर छोड़ के आते जी। सुधरने में बड़ा मजा आता है जी भैया जी, आपको ट्राई करना चाहिए। सुधरने में एकदम एक बहुत अच्छी सी फील गुड सी फीलिंग आती है। ठीक है भैया जी, कल से हम जरूर शुरू करेंगे। कौआ होत न उजले, सौ मन साबुन लगाए। ए फकीर, तू के कान के नीचे। तू कूल डाउन। अरे मूर्ख, अगर मिठाई बोल देने से मुंह मीठा हो जाता तो मिठाई की क्या जरूरत? सुधरना बोल देने से अगर कोई सुधर जाता तो प्रायश्चित और पश्चाताप की क्या आवश्यकता थी? चल मैंने माना कि तूने बोला कि तू सुधर गया, तू अपने पाप नहीं करेगा, लेकिन जो तूने पुराने पाप किए हैं उसका प्रायश्चित कौन करेगा? बोल, कौन करेगा? तुझ में है हिम्मत? भैया जी को अंडरस्टैंड मत करना। कौन बोला वो नहीं कर सकते? अरे मैं अंधा होते हुए भी तेरी आत्मा के काले दाग देख सकता हूँ, तो फिर इस दुनिया में आंखों वालों से कैसे छुपता फिरेगा? तेरे आगे कुआं है और पीछे खाई, तेरे सुधरने का बस एक ही रास्ता है, पापों का प्रायश्चित। Thank you.
रही हो? सारे लुच्चे लफंटर इसी कॉलोनी में आके भर गए हैं। हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे भैया जी। सही कह रहा है भैया जी। ब्लडी फूल की तरह बातें मत किया कीजिए। बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचो, स्कूल भेजिए उनको। अरे मोहल्ले में तो नाक कट गई हमरी, तुम्हारी हरकतें तो खत्म ही नहीं होती। वो सब तो ठीक है भैया जी, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? काट देती। मेहनत कीजिए। बिल्कुल अंदर जाओ। हाँ जरूर मिलेगा। वर्षा जी, मेरा और गलत का साथ बस यही तक का था। अब आपको मेरे कुकर्मों की वजह से कभी रोना नहीं पड़ेगा। अब हम आपसे तभी मिलेंगे जब हम सुधर चुके होंगे। आप अपना ध्यान रखना और मेरा इंतजार करना। आपका माइकल मिश्रा। कितनी छोटी सी चीज तो मांगी थी वर्षा ने उससे कि सुधर जाओ। अबे ओला मंचूस, कहाँ घुसे आ रहा है बे? का नाम है बे तोरा? माइकल मिश्रा। भैया जी अरे बाथरूम तो यहाँ है। हुआ। उल्टा लटका के कुटाई यहीं करते हो ना आप लोग? चलिए शुरू हो जाइए। भैया जी अरे कहाँ कर रहे हो भैया जी? अरे मुंह का देख रहे हैं हमारा, मारो हमको। माइकल भैया हमसे कुछ गलती हो गई तो हमें माफ कर दो। चार्जशीट बनाओ हमारी, केस करो हम पर। हम आपके पाँव पड़ते हैं भैया जी। बचपन से लेकर आज तक हमने जो भी गलत काम किया है हमको वो सब की सजा काटनी है। अब तुम हमको नहीं मारोगे तो हम तुमको मारेंगे। लड़ने के लिए आए हैं और हम सुधर के ही जाएंगे। अपनी जान दे रहे हैं तुमको। चूड़ियां पहन रखी है क्या?
आओ मारो हमें। आखिर पकड़ा ही गए ना, अरे तो क्रिमिनल छोड़ेंगे। एफपी जी, एक क्वेश्चन है। एक चिट्ठी को माइकल मिश्रा ने कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं ले लिया? वो माइकल मिश्रा का प्यार था, उन्हीं की तरह लेजेंडरी। आजकल के प्यार की तरह नहीं, जो एक एसएमएस से शुरू हो और दूसरे एसएमएस तक दम तोड़ दे। पटना की शान शनिचर जी को इंची टेप से गर्दन दबाकर अपहाइज करने के लिए एक पटना के हनुमान मंदिर से 5 साल तक जूते और चप्पल चुराने के जुर्म में 2 कंगड़बा के देवेन वर्मा की माँ, उनके बेटे, बेटी, पोता पोती और ड्राइवर है, ड्राइवर और गार्डनर, उनको आप फॉरगेट कर गए। या थैंक यू माइकल। ड्राइवर और माली के अपहरण के लिए 2, चौराहे वाले गोदाम को लूटने के जुर्म में 2, पिछले 10 सालों में खंबे से बिजली चुराने के जुर्म में 2, इसीलिए बिजली का बिल ही नहीं आता। पिंटू यादव की शादी में घुसकर सारा खाना चुराने के जुर्म में 2, बैद्यनाथ धाम से 50 लोगों का सारा सामान छीनकर 2 दिन तक पेड़ से लटकाने के जुर्म में 1, गुन्नू झा और उनके परिवार को 3 दिन तक सांपों से भरे कुएं में छुपा के रखने के जुर्म में 3, छपरा के आवारा कुत्तों की पूछ में पटाखा बांधकर सताने के जुर्म में 1, तो क्या क्या करता है आदमी। रांची की क्रिकेट टीम को जबरन बंधक बनाने के जुर्म में 2, जज साहब आप बिना आप तो हमारी तारीफ किए ही जा रहे हैं, शर्मिंदा हो गए। अब जनता भी देखिए ना, बोर हो रही है। आप बस टोटल करके बता दीजिए कितने महीने हुए। कुल मिलाकर महीने नहीं, साल हुए हैं। मुलजिम माइकल मिश्रा को सजा मिलती है 500 साल। ऑर्डर ऑर्डर, बैठ जाइए आप लोग, शांति बनाए रखिए। क्योंकि पुलिस प्रशासन का मानना है कि बुजुर्ग माइकल मिश्रा दिमागी तौर पर बहुत पहुंचा हुआ शातिर क्रिमिनल है, इसलिए माइकल मिश्रा को भैरव घाटी के काले पानी की सजा सुनाई जाती है। भैरव घाटी का काला पानी, भैरव घाटी का काला पानी देश भर के सजायाफ्ता दिग्गज क्रिमिनल्स का बसेरा। हाँ, पर वर्षा का क्या हुआ? वर्षा शुक्ला को माइकल की चिट्ठी कभी नहीं मिली। वर्षा को लगा कि माइकल घर छोड़कर भाग गया था। जब तक सूरज चांद रहेगा, हाफ पैंट का क्या? हाफ पैंट फिर से अपने आप को अनाथ समझने लगा, लेकिन उसे ये उम्मीद थी कि भैया जी जरूर वापस आएंगे। और ये कसम खाई कि जब तक माइकल की रिहाई नहीं होगी तो वर्षा भाभी का ध्यान रखेंगे।
धरती पे अगर स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, और अगर नर्क है तो यहाँ है। माइकल मिश्रा, भैरव घाटी में आपका स्वागत है। वर्षा बिटिया आ गई। आओ बिटिया, आज छुट्टी है ना, इसलिए लेट उठी है, वरना सुबह में 6 बजे उठ के सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हैं। अमेजिंग डैड, थैंक यू। बिटिया पैर छुओ, आप फलदान कीजिए ना। ये हो क्या रहे? जी का बताया था ना बिटिया। थैंक यू, थैंक यू। आपने किया अच्छे का, हमने उठा के फेंका। If you have any problem, you can talk to me personally. Hey, shut up, you joker! Mommy! What is this? बहुत जबान चल रही तुम भी। चलो, चलो कहते हैं। अरे हम ही घसीटेंगे कि आप भी जोर लगाइएगा। आते हैं, आप आटिए ना, हम देखते हैं। बेटा, मिठाई लीजिए ना। बहन जी खाइए ना, सब फ्रेश ही मंगाए हैं। अरे जिसे आप पसंद करती थी, वो भी तो घर खाली करके भाग ही गया ना। आप अपनी बात समझने की कोशिश करो। वो कहा है कि हो गया आप लोगों का नौटंकी। इनका सर पे जो भूत है ना, वो बातों का नहीं लातों का है। चलिए, अरे चलिए ना। अरे आप लोग बताए कुछ लीजिए, आराम से आराम से। बेटा बिल्कुल, थैंक यू सर। जी ये क्या कर रहे हैं आप? बताते हैं क्या कर रहे हैं। हमारी बात तो सुनिए सबके सामने। अब ये दरवाजा इनके ब्याह के दिन ही खुलेगा, समझे? अब बहन जी खा नहीं रहे हैं, डाइटिंग पे है। माइकल भैया जिंदाबाद, वर्षा भाभी जिंदाबाद, माइकल भैया। अरे वर्षा भाभी रनिंग, अरे हाफ पैंट कहाँ गया? चॉकलेट, हम प्यार में फेल हो गए चॉकलेट, पर तू मत होना। जा जा चॉकलेट, जी ले अपनी जिंदगी। बटुआ भी होगा। निकाल निकाल निकाल, चल। अरे रुको, उसमें हमारी चिट्ठी है, वो दे दीजिए। चिट्ठी? अरे पढ़ 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 ले, पढ़ ले इसे, देख। देखिए इसका क्या करेंगे आप, चिट्ठी दे दीजिए हमें। अबे अनपढ़। अरे ये तो लव लेटर है। पढ़ पढ़। हम भी आपसे डीपली प्यार करने लगे हैं। कई सालों से लड़की नहीं देखी, लव लेटर तो देखा। हमारी चिट्ठी दे दीजिए आप। वर्षा शुक्ला की चिट्ठी है। चिट्ठी दे दीजिए हमारी।
चिट्ठी में तो जान है इनकी। चिट्ठी चाहिए? आ जाए इनको। देखिए बहुत हो गया, अभी चिट्ठी दे दीजिए आप। चिट्ठी दे दो हमको, लिसन नहीं करते आप लोग। यहां पीटने का हक सिर्फ मुझे है, बंद रखो यहां पर, अकल ठिकाने आ जाएगी। कुछ बूंदे हैं पलकों पे बाकी, भूलूं कैसे यादें हैं काफी, चलना मुझको अब अकेले, किसको बोलूं बातें जो बाकी, तू है नहीं तू था नहीं, माने है क्यों नहीं, फिर तू मेरी आंखों से बह गया बनके, छड़ गया बीते न तुझ पे मुझ पे जो गुजर गया बनके बूंदे। कॉन्फिडेंस कुमारी। मायसेल्फ वर्षा शुक्ला फ्रॉम पटना। बुरा मत मानना पर तुम्हारे इस ऑडिशन में सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। आई विल प्रूव रॉन्ग। हम सबको गलत साबित कर देंगे, उनको भी। उनको भी दिल टूटा है तेरा? नहीं तो? तो प्रूव तो वही करते हैं जिनका दिल टूटता है। वर्षा शुक्ला। यस सर। हाय फ्रॉम बॉलीवुड। या आई एम
फ्रॉम हॉलीवुड। यार ये हाफ पैंट अपना गेटअप क्यों बदल रहा है बार बार? अरे वर्षा जी देख लेती तो फिर से थप्पड़ पड़ता ना। एक्शन। Myself Baisa Sukla. I am from Bihar, Patna. My height is 5 feet 4 inch. My size is 34, 25. My mother tongue is Hindi, but I speak fluent English on any topic. My side sir. यार ये एक ओरिजिनल पीस है, इससे कुछ ओरिजिनल करवाते हैं। देखो वर्षा, जो आपने बिहार इज फुल ऑफ टैलेंट में जो किया था वैसा ही कुछ करते। टॉपिक टॉपिक लव या लव पे करते। जय माता दी। Hello, be I love it. Jump hard, let the bird. Is the best, love is the best. Oh my dear, look at this. Hello, sikke itte locket, which escaped in my P.O. sikke itte pocket, but it disappeared like a rocket, rocket. Oh dear, come near. There is a hole in my heart, which only you can fill, so that the bird can say they lived happily ever after. Din chak, din chak, yo din chak. लड़कियों के दिमाग के इलाज के लिए ना एक हॉस्पिटल खोलना चाहिए, सच कह रहा हूँ। इसे हम सर को जरूर दिखाएंगे। 100% जरूर दिखाएंगे। 100% ओ डियर कम ओ गॉड। आंखों में जो सच है पलकों से वो छुपता नहीं, कब ये दिल किसका है रुकने से वो रुकता नहीं। कब से काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, कब से इट हैज फोर लेग्स, टू आर फॉरवर्ड एंड टू आर बैकवर्ड, एंड बिकॉज शी इज अ फीमेल शी गिव्स मिल्क, इट हैज गॉट वन हेयरी टेल in the background, which she uses to frighten away the flies. फिर तू मेरी आँखों से बह गया बनके, बूंदे मुझसे तू बिछड़ गया। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। पंडित जी को कहा है कि जब जब मैंने प्यार किया तब तब मेरा दिल टूटा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, बार बार प्यार करने का मौका ना मिला। Thank you.
ध्यान लगाओ, ये बंबई है, यहाँ वेटर बनने के लिए बहुत लंबी लाइन है। टेबल नंबर 4। Excuse me, तुम वर्षा शुक्ला हो, पटना से, right? Yes, sir. लेकिन तुम तो यहाँ बंबई हीरोइन बनने आई थी, फिर तुम यहाँ। देखो, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सलाह देने के लिए पूरी दुनिया बैठी है। तुम्हें क्या करना है ये डिसीशन खुद तुम्हें लेना है। बाय द वे, आई एम इम्तियाज। मैं उस फिल्म का डायरेक्टर हूं जिसके लिए तुम ऑडिशन करने आई थी। हियर, दिस इज माय कार्ड। यू वर अमेजिंग, प्लीज कल सुबह मेरी ऑफिस जरूर आ जाना। सी यू टुमारो। मेरी इंदे है फरार तेरे संग मेरे यार, तूने की जो मेरे साथ शरारत है। मेरी इंदे है फरार तेरे संग मेरे यार, तूने की जो मेरे साथ शरारत है। साड़ी चुटियां पढ़ ले रे, जदों तो पे चढ़ के फिर के बड़ बड़ों से लड़के तो की चुटियां चुटियां साड़ी चुटियां पढ़ ले रे, जदों तो पे चढ़ के फिर के बड़ बड़ों से लड़के तो की चुटियां। हाय करियो ना मुझसे तू झूठे मूठे वादे, रह जाएंगे हम तो तेरे बिन आधे आधे। तेरे लिए ही बनी हूं मैं, तेरी डेस्टिनी हूँ, ले मैंने क्लियर कर दिए हैं अपने इरादे। हाँ राह मैंने देखी तेरी जुगनू की आग पे, कैसे मैं बताऊँ तुझको सुरतियाँ जाग के। अखियों ने लिख लव लेटर वे, ओ मेरी अखियों ने लिख लव लेटर वे, सजना तू चांद से बेहतर वे सजना वे। अखियों ने लिख लव लेटर वे, ओ मेरी अखियों ने लिख लव लेटर वे। Baby, my heart flutter, flutters your way. How much you love me, you better say. Golden words in your letter, babe, takes my soul away. Baby, my heart flutter, flutters your way. How much you love me, you better say. Golden words in your letter, babe, takes my soul away. बात भूल गए, उठो। एक एक मिनट का हिसाब लूंगा, कम छोड़ो। खोदो सालों ठीक से।
भागते तुम हिरन के जैसे हो, फिर पकड़े कैसे गए? हम पकड़े नहीं गए, खुद को सरेंडर किया है। हम सुधरना चाहते थे। क्यों? अपने प्यार को पाने के लिए। तैरना जानते हो? चलो ऊपर चलो, जाओ सब लोग बोट के पीछे की तरफ जाओ, जल्दी चलो, और भी बहुत काम बाकी है। चलो सभी चलो। अगर अपने प्यार को पाने के लिए जान पे खेल सकते हो तो तैरने के लिए तैयार हो जाओ। पुलिस रिकॉर्ड से माइकल का नाम हमेशा के लिए मिट चुका था। भाई साहब हमें वो फूल खरीदने। पिंटू चिंकू भैया जी, भैया जी आप वापस आ गए, हम धन्य हो गए भैया। भैया जी, भैया जी मतलब पैरोल पे आए हैं या भाग के आए हैं? ये फूल पत्ती वाला काम भैया जी हमको नहीं करना है, चलिए अपना वही पुराना वाला काम करते हैं। देखो हम सुधर के आए हैं, हम जान दे देंगे लेकिन गलत काम नहीं करेंगे, समझे? हमको फूल चाहिए। अब बताओ वो ये लाल गुलाब कितने में दिए? भैया जी अब आपसे पैसे थोड़े ना लेंगे भैया जी, और बिना पैसे के हम लेंगे भी नहीं, हमें आपकी हेल्प चाहिए, काम मिलेगा। दिखता क्या है? वो परिवार जो यहाँ पे रहता था एक साल से बंद पड़ा है, कोई रहता तो ताला क्यों लगा रहता? कमाल के बंदे हैं आप।
कहा कह रहे थे भैया कि आपने उस हफपेंट को मार्केट में खड़ा किया और आपके जाते ही जेल भोसाला किसी लड़की के चक्कर में आके 1 2 3 साला। देखा भैया जी के पैसे पे कहीं अय्यासी कर रहा होगा दोगला साला। जब सारे दरवाजे बंद होते दिखे तो माइकल ने सिर्फ एक ही दरवाजा खटखटाना उचित समझा। नहीं मिलती हम यहां से नहीं जाएंगे। हमारा इंतजार तो क्या होता वर्षा जी। हैप्पी साहब, माइकल की कहानी सुन के ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में कहीं चूक गया। इतिहास के किताबी पन्नों में कुछ ऐसा खोए कि मोहब्बत की मिठास ही भूल गया। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, कुछ खा लीजिए। माइकल फील गुड मिश्रा तो वर्षा शुक्ला के प्यार में सचमुच के जेंटलमैन बन गए थे, आदतों से भी और कपड़ों से भी। बाबू और साथ
आपके ही अभिनंदन करिए आपकी पटना की बेटी पटना में चरियो ऑन द केक मशहूर अभिनेत्री वर्षा शुक्ला। भैया जी हम जानते थे कि आप जल्दी वापस आ जाएंगे। दूर हो जा हमारी नजरों से पाखंडी ढोंगी, हम जरा जेल के गए, तुम एक लड़की के पीछे एक दो तीन फुर। भैया जी हम फुर नहीं हुए भैया जी, और कोई लड़की नहीं वर्षा जी, हम भाभी को दो मिनट अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दिए भैया जी। तुम सही कह रहे हो, भोलेनाथ की कसम हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। नहीं भैया, नहीं भैया जी। कैसी है हमारी वर्षा? आपके इंतजार में थोड़ी दुबली हो गई भैया जी, बस आप आ गए ना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अरे कोई रास्ता है अंदर जाने का, जल्दी शॉर्टकट दिखा देना। आ जाओ भैया जी। इस्माइल चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रस्तुत करते हैं अपने अगले प्रतियोगी जो खाएंगे 5 मिनट में 50 मिर्चियां, पिंकू पांडे। अरे बकलोल, ये हीरो की नहीं चोरों की एंट्री है। ओह, अरे कहाँ है पिंकू पांडे? सर अभी यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया सर। मिर्चाए तुम्हारे पिताजी खाएंगे, जाओ पकड़ के लाओ उसको जल्दी। बेस्ट ऑफ लक भैया जी। अरे हम कौन सा कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हैं? हैं स्मार्ट लग रहे हैं, पहली बार शूट कर रहे हैं हमने। कोई मिर्ची खा सकता है क्या? 5 मिनट में 50। अरे भाई साहब वर्षा जी कहाँ मिलेंगी? आप चलिए ना मेरे साथ। थैंक यू, आप तो बड़े गुड मैन टाइम निकले। चलिए तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए पिंकू पांडे का। वर्षा जी हम सुधर गए, हम सुधर के आए हैं, बिल्कुल जेंटलमैन। क्या कहा ढूंढा आपका हमने। वर्षा जी मुझे तो ये आपका फैन लगता है, ऑटोग्राफ चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऑटोग्राफ नहीं चाहिए। पिंकू पांडे, अब मजाक कर रही हो वर्षा जी? इनको देख के एकदम नर्वस आ गए हैं। अरे नर्वस आएंगे का है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है हमारा। अरे इन्होंने कहा जाके सुधर के आओ, हम चले गए, हम बिल्कुल सुधर के आए हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू माइकल मिश्रा हो गए हम। क्या बात कर रहे हैं? हाँ पांडे जी आप कंपटीशन में आए, जाके मिर्चियां खाएंगे प्लीज प्लीज। हाँ भाई वर्षा जी आप, अरे इतना पुराना जान पहचान है आपका, आप पहचान नहीं रहे? क्या कह रहे हैं आप, जानते भी नहीं है इनको, शक्ल नहीं देखी कभी इनकी, कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग? सिक्योरिटी का है।
माइकल मिश्रा का दिल टूटा था और साथ ही साथ मिर्ची खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी। डियर लव, थैंक्स यू सो मच फॉर लविंग मी। हम भी आपसे डीपली प्यार करने लगे हैं। हम इस प्यार को एक नाम देना चाहते हैं। हमारे चाचा चाची के मन में आपका इम्प्रेशन थोड़ा बैड है। आजकल के बॉयज के हिसाब से तो आप कूल हैं, पर घर के एक दामाद के हिसाब से थोड़ा अनकूल। हरकतों पे थोड़ा थिंक करें और आदतों पे रीथिंक। हम चाहते हैं आप हमारे घर आए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सुधर जाए। हम सुधरने के रास्ते पे निकल पड़े। ये बात अपने दिल में रखना, किसी से न कहना। छोटा शहर है, मेरी बदनामी होगी। ऑटोग्राफ। खुश तो बहुत होंगे ना आप? जी। भैया जी का दिल तोड़ के? सही कहते, चेहरे पे चूना लगाने के बाद ना लोग बदल जाते हैं। तुम्हें पता है ना तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, फिल्म स्टार वर्षा शुक्ला से। बहुत फेमस हो गई ना आप। माइकल मिश्रा को भूल गए? अरे क्या क्या नहीं किया भैया जी ने, सबको छोड़ के, हमें छोड़ के आपकी इस चिट्ठी की वजह से सुधरने के रास्ते पे निकल पड़े। और अब ये मत कहना ये हैंडराइटिंग भी आपकी नहीं है। ये चिट्ठी तो ये गिटार बास तो वही था जो माइकल के घर के ऊपर रहता था। अरे कौन मातम कर रहा है? चल 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 चल। अरे ससुराल छिपा के। मिस्टर मिथिलेश माथुर, ओए लंगूर, वर्षा शुक्ला की प्रेम कहानी में माइकल मिश्रा तो कभी थे ही नहीं। दरअसल ये हुआ था, What?
से खाली था दिल का मोहल्ला, ओ हमारी सजनिया तू ही तो आके बस गई। कन्या में खड़े रह के नैन मटका करो तुम, और मोहल्ले में ना कटे हमरी। वो भी तो घर खाली करके भाग ही गया ना। हम प्यार में फेल हो गए चॉकलेट। अपने माइकल भैया से कहना कि अपने दिमाग का इलाज करें। एक चिट्ठी पढ़ के कहां से कहां निकल गए? बचपन से ही पागल है क्या? हाँ बचपन से ही पागल है, आपके लिए। चली कैसे जाती? इसकी गाड़ी जो चल पड़ी थी। ओ इश्की दी गाड़ी चल पड़ी, ओ इश्की दी गाड़ी, ओ इश्की दी गाड़ी चल पड़ी, ओ इश्की दी गाड़ी, ओ इश्की दी गाड़ी चल पड़ी, ओ इश्की दी गाड़ी चल पड़ी, ओ इश्की दी गाड़ी। माइकल भैया कहाँ है? वो तो चले गए। पता नहीं कहाँ चले गए माइकल भैया, पूरा अस्पताल भी ढूंढ लिया। वर्षा जी, अगर आप चाहो तो हम आपको एयरपोर्ट छोड़ सकते हैं। जैम्बो सरकार, जैम्बो सरकार, पटना शहर में पहली बार सारे परिवार के लिए जैम्बो सरकार, बच्चों के लिए खाना करता डॉक्टर से। माइकल मिश्रा को मैंने कंकड़ बाग में 10 बजे देखा था। माइकल मिश्रा? माइकल भैया को मैंने 10:30 बजे गया जाने वाली बस में चढ़ते हुए देखा है। माइकल मिश्रा? माइकल भैया को मैंने वहाँ टुमारो में करते हुए देखा है। हेलो, नहीं बोल सकते थे क्या? समझते अपने आप को?
समझते हो अपने आप को? हाँ तुम क्या सोचे, इतने साल सिर्फ तुम ही हमें ढूंढ रहे थे। इतना था कि हम उम्मीद छोड़ दिए और तुम उम्मीद नहीं छोड़े। प्रेम का मधुर मिलाप हुआ था। तो आप FP राइट, फुल पैंट। जवानी में मुझे हाफ पैंट कहते थे। आई कांट बिलीव इट। जी प्रणाम। भाभी जी प्रणाम। अरे आओ हाफ पैंट। आपकी लव स्टोरी तो आज भी सुपर हिट है। कल की तैयारी हो गई? आपके जैसे लिविंग लेजेंड की कहानी सुने बगैर कोई बस गुजरी है यहाँ से? नमस्कार, मैं हूँ FP माइकल मिश्रा के ढाबे पे आप सबका स्वागत है। भाई वाह। कब से खाली था दिल का मोहल्ला, ओ हमारी सजनिया तू ही तो आके बस गई। लिख देंगे पाप का तू तल्ला, ओ हमारी सजनिया तू ही तो हमका जच गई। हम हो गए तो तेरे पीछे भागू ना, ठुकरा देना।
में है जो सौर माने मुड़ के तू ना जा तू ना जा। हाँ, रोज रोज मैं तेरे पीछे भागू ना ठुकरा देना। हाँ, दिल में है जो सौर माने मुड़ के तू ना जा। तो शाम सवेरे तेरे ही ख्याल आते हैं वो हमारी सजनिया तो हार हमारी जान। हम हो गए तो हफे लाटू ना समझो निका देखो हमार माइकल भैया चला है मोटरसाइकिल पे ढूंढने अपना प्यार। सब कहते हैं इन्हें लीजेंड, आइए देखते हैं लीजेंड है कि नहीं। डार्लिंग जी सारा रा रा रा, हम तो है तोहर हीरो।